Hello, good morning from Kufri. Guys, बहुत ठंड है यार यहाँ पे. रात को -2 था, अभी +2 में है. नहीं, कोई ज्यादा ठंड नहीं है. और ये चाय का जुगाड़ हो रहा है हमारा, कॉफी का. ये देखो, ये मिक्स है, मिक्स इंस्टेंट कॉफी बाग बकरी की. और ये हमारा चूल्हा है और ये हमारा पानी गर्म हो रहा है और थोड़ी देर में आप वेट करिए, रेडी हो जाएगी. तो अभी बस रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे नारकंडा की तरफ. एक बार नारकंडा क्रॉस हो जाए, ये हाइट पे है और उसके बाद फिर डाउन है पूरा नाको तक. नाको में फिर चढ़ाई होगी और नाको में क्रॉस कर जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद. एक डेढ़ घंटा तो लगेगा आराम से. अभी टाइम क्या हुआ, 7 बज गए. 8:30 हो गए, ऐसे लग रहा 6 बजे अभी. सूर्य देवता आए नहीं अभी तक. आज बर्फबारी के आसार हैं, शाम मौसम खराब है वो आपसे. तो भाई लोग, ये देखिए हमारी ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है. सूर्य साहब कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमने चाट मसाला डाल दिया है, ब्रेड ऑमलेट. ये देखिए, और हम इसको गैस को अब स्लो करने लगे हैं क्योंकि बहुत तेज लग रही है मेरे को ये. और ये देखिए, मैंने वेद भाई खा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, ये मैंने और स्लो कर दिया. ये लीजिए, अब ये देखिए, इसमें सब अमूल में बनाया जा रहा है. अमूल मक्खन में, देसी घी में. ये देखिए, इसको बोलते हैं अमूल मक्खन और ये बटर इसमें डल चुका है. ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट. ये देखिए ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये कैसे घुल रहा है, ये देखिए. और अभी ये डलेगा, देखिए इसका मजा, कुफरी की ठंड में, कुफरी की वादियों में. और ये ब्रेकफास्ट हमारे कमरे में ही बन रहा है. ये कमरा देखो, और ये हमारी जिमनी खड़ी नीचे. ये देखो, और ये जाने लगा, अब आप देख सकते हैं कैसे जाएगा. ये देखिए, और ये गया इसके अंदर. ये देखिए, थोड़ा सा मैं रोक लेता हूँ क्योंकि इसको पलटने में दिक्कत होती है. इनको दो बार बना के दे देंगे, एक एक अंडे. अब एक चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. बहुत ही अच्छा होटल था, आप कुफरी में आए, यहाँ पे रुके, बजट होटल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हमारी सेवा करी इन्होंने, और वेरी नाइस प्लेस, और लोग भी अच्छे हैं. ये इन्होंने हमारी बहुत सेवा करी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पे होते हैं रिसेप्शन पे, पर हम इनका थैंक यू बोलते हैं. और बहुत अच्छा रास्ते है आज का. अब हम जाने लगे हैं नारकंडा. अभी यहाँ से कोई अराउंड 2 घंटे का रास्ता है या 2.5 घंटे का. अगर रास्ता क्लियर हुआ तो स्पीति के लिए रवाना हो जाएंगे, नहीं तो यहीं पे स्टॉप. थैंक यू वेरी मच. ये सारी टीम जो है देखिए वापस चल पड़ी है नारकंडा की तरफ. ये गुलाब जी हैं, ये वेद हैं, ये श्रीमान लांबा है, और ये मैं हूँ आपका अपना पुराना. और ये देखिए कुफरी के अंदर, देखिए इस समय पूरी स्नो पड़ी हुई है और सैटरडे संडे की वजह से ये रश है पूरा, और लॉन्ग जोन से है. ये देखिए पूरा रश चल रहा है. ये देखिए ऊपर लोग घोड़ों पे, गधों पे, सब पे चल रहे हैं. हैवी स्नोफॉल है और हम इस समय नारकंडा की तरफ निकल चुके हैं. ये हम इस समय है ऑन द वे नारकंडा से पहले, और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये जिंदगी में देखने को बहुत कम मिलती हैं. ऐसी सुंदर वादियाँ, ऐसे सुंदर नज़ारे आपको देखने को सिर्फ इस हिमाचल की वादियों में जहाँ हम जा रहे हैं मिलेंगे, या फिर आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे. ये देखिए, ये मिनी स्विट्ज़रलैंड बना हुआ है. ये देखिए आप जरा, ये मैंने स्लो करा है, और ये देखिए ये स्नो देखिए, और ये वादियों का रुख देखिए आप, ये मौसम देखिए, और मौसम का बहुत सुंदर नज़ारा देखिए आप. अभी एक दिन के लिए शायद ना हो, दिन के टाइम मुश्किल है, हो सकता है कि शाम को स्नोफॉल के चांस हैं, तो वो हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे. तो ये हम चलते जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पंछी बैठे हुए हैं मैदान में और डटे हुए हैं मैदान में. तो गाइस हम पहुंच गए हैं नारकंडा, और ये हमारी जिमनी खड़ी है, और ये मंदिर है यहाँ का फेमस, और चारों तरफ स्नो. और कल आते तो बहुत रात में तो काफ़ी दिक्कत होती, और दिन में तभी हमने आए कि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो.
काफ़ी जगह हमें ब्लैक आइस मिली, लेकिन आराम से गाड़ी हमारी 2H में ही चल रही है अभी तक, अभी 4H हमने नहीं लगाया है। ये है शिशु पार्क सामने और ये मार्केट है। यहाँ पे जब हम आए थे 2019 में, यहाँ पे हमने खाना खाया था। बस अब फोटोग्राफी करके चलेंगे थोड़ी देर में। ओहो, हम रामपुर की तरफ है और दोजा, ये जगह का नाम है दोजा जो नारकंडा के बाद हमने क्रॉस करी है। ये देखिए आप, हेवन इन द अर्थ, हेवन इन द अर्थ, ये देखिए, ये अर्थ इस धरती का हेवन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप जरा, दोनों तरफ से बर्फ ही बर्फ है। दोजा क्रॉस कर लिया है, रामपुर की तरफ हमारी टीम रवाना है और आगे देखते जाइए नज़ारे। नीचे आप देख रही हैं जो ये पूरी की पूरी ब्लैक आइस है, नीचे ये ब्लैक आइस है। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमें नज़र आए हैं अभी चलते हुए। और ये देखिए आप नज़ारे, ये देखिए, ये ज़िंदगी में अगर आपने देखना है कुछ स्वर्ग और वो भी धरती पर देखना चाहते हैं तो ये मौका जोन सा है, कभी कभी नहीं आता। आप आ जाइए और घूमिए इस जगह को। नारकंडा क्रॉस करने के पास दोजा है जो रामपुर की तरफ जा रही है सड़क। मैंने दोबारा आपको लाइव कर दिया है। ये देखिए जरा आप, ये देखिए, ये जो पेड़ है, इन पेड़ों को बोलते हैं देवदार के पेड़। और ये जो देवदार के पेड़ है, इनके ऊपर आप देखिए स्नो, और इनसे नज़ारा देखिए, ये देवदार के पेड़ों का नज़ारा देखिए और ये स्नो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसी के लिए मैंने दोबारा ऑन करा है। तो दोस्तों ये देखिए, देवदार के पेड़ों के ऊपर ये पड़ी हुई स्नो, ये पड़ी हुई बर्फ, ये इतना बढ़िया नज़ारा देख के मन जो है ना इस समय ऐसा हो गया कि लग रहा है कि हम किसी धरती किसी ऐसी जगह पे हैं कि आपको बता नहीं सकते। वेरी गुड, ये देखिए हम पहुँच गए हैं रामपुर। ये देखिए लिखा है आई लव रामपुर। तो नारकंडा से जैसे ही उतरे हैं हम 5 से 10 किलोमीटर, उसके बाद पूरी स्नो साफ़ होगी, बिल्कुल कोई स्नो नहीं है, पूरी रोड साफ़ है। और अभी तो प्लेन पे जाना पड़ेगा, तो अभी तो स्नो कमी मिलेगी नाको तक। नाको में फिर जब हम हिल पे चढ़ाई करेंगे तब उसके बाद काफ़ी हमें स्नो मिलने के चांस हैं, और फिर काजा में, ताबो में। तो अभी हम कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं जहाँ पेट पूजा की जाए। तो गाइस हम हैं अभी रामपुर में और यह है सज्जन जी का रेस्टोरेंट, और अभी हम करने वाले हैं लंच। और ये हमारी जिमनी खड़ी सामने, ये हाईवे है और ये बिल्कुल कह रहे हैं कि न्यूली बिल्ट है, 7-8 महीने हुए इनको यहाँ पर बनाए हुए, काफ़ी अच्छा है अभी तक। तो अभी खा के देखते हैं, प्रिपरेशन पता चलेगी। तो अभी क्या ऑर्डर दिया है, गोलगप्पे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ हम बैठ चुके हैं, ये इस जगह का जो नाम है वो रामपुर बुशहर है। अभी मैंने किसी बोर्ड पे पढ़ा, हम जब वहाँ से चले थे नारकंडा से, हम रामपुर बोल रहे थे पर पूरा नाम है रामपुर बुशहर। अब यहाँ से हम तब्बो जाएंगे सीधा, पर इससे पहले हमारा ये लंच ब्रेक है, ये नया रेस्टोरेंट है, हम गोलगप्पों से शुरुआत कर रहे हैं, आगे देखते हैं। तो गाइस हमारी आ गई है थाली, और वेज थाली है ये, और लोकल, यहाँ की लोकल फेमस थाली है ये। अभी हमने खाए हैं गोलगप्पे, प्रिपरेशन एक नंबर है यार, यहाँ की मज़ा आ गया। और अभी नया होटल खुला है सज्जन जी, अगर आप रामपुर आए तो इनके पास जरूर खाना खाएं यार, मज़ा आ गया। क्यों जी, बहुत जबरदस्त। रामपुर बुशहर जगह का नाम है, नया रेस्टोरेंट है, खाना बहुत अच्छा है। हमने गोलगप्पे खाए हैं, एक नंबर के थे, खाने की शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी व्यूअर से जो रामपुर बुशहर से जाएं, यहाँ पे एक बार स्टॉपेज के लिए रुके। सज्जन जी के यहाँ से हमने खाना खाया, लंच किया है, मज़ा आ गया यार, एक नंबर का खाना है। और कैफ़े पूरे रामपुर में आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 8 महीने हुए इनको, और खाना बहुत ही बढ़िया यार, घर जैसे खिलाते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट से खिलाते हैं। तो मैं भाई साहब से मिलवाऊँगा आपको, इनके ऑनर हैं सज्जन जी, राजू सज्जन जी, हाँ। तो ये इनके ओनर हैं, और अपने बारे में बताएं थोड़ा, रेस्टोरेंट कब खोला? और मेरे को हो गए कोई 7-8 महीने ही। और किला कैलाश के बारे में बताओ आप, ये किन्नर कैलाश यात्रा चलती है जुलाई में, जुलाई में चलती है, जब भी आओ आपको कभी भी, हाँ कोई भी हेल्प चाहिए हो, हाँ नंबर भी हेल्प चाहिए भाई साहब का, आप आ सकते हैं इनके पास। किन्नर कैलाश के लिए स्टे यहाँ पे करो, आगे
सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। ऊपर आपने जाना हो श्रीखंड का महादेव, वहाँ के लिए अरेंजमेंट सारे मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, जब बहुत भी कभी जाना हो सेवा तो हमारे दोस्तों को हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई देख लेना, भाई साहब का नंबर मैं पब्लिश कर दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका नंबर, आप कार्ड वीडियो हाँ मैं डाल दूँ। तो चलते हैं अब आगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ज्योरी, और ज्योरी में आपको अगर सरान जाना है तो सरान जाने के लिए यहाँ से रास्ता कटता है। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो स्पीति चले जाएंगे, और अगर सरान जाना है तो उसके लिए राइट से रास्ता जाएगा, जो चितकुल चला जाएगा। नहीं सरान, सरान सरान इज़ ए हिल स्टेशन, यहाँ पे हिल स्टेशन है, और मतलब कि 20 किलोमीटर होगा आई थिंक, 15-20 किलोमीटर है सरान, बिल्कुल चढ़ाई है 15-20 किलोमीटर कंटिन्यू चढ़ाई है। तो 2019 में जब हम आए थे तो सरान गए थे हम, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड था तो 2 घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक कर रखा था, तो हमने एक सरान का हमने टूर कर लिया था उसके बीच में। अगर वो ब्लॉग देखना है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना जाके। तो आज का हमारा स्टे है कल्पा में, कल्पा आज रुकेंगे और कल पहुंचेंगे हम काजा। तो ये देखिए सरान है 17 किलोमीटर। सरान चलना भी सरान चलना नहीं, ये सरान है। तो ये राइट से रास्ता जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये सरान को जा रहा रास्ता, यहाँ से ये जा रहा सरान को रास्ता, और हम जा रहे हैं सीधा। मैं के लिए मैंने अपने ड्राइवर ही पद से इस्तीफा दे दिया है कलकत्ता तक के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ काफ़ी आराम मिल रहा है। बाबा नगर टापरी सांगला 71 है, चितकुल 95 है, टापरी 45 है, टापरी किन्नौर के लास्ट 87 दिखा रहा है वहाँ से। हम पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ किन्नौर, ये सामने देखिए ये रहा गेटवे ऑफ किन्नौर, ये खड़ी है हमारी जिमनी, और ये चारों तरफ का व्यू, और मौसम हो गया ख़राब, बारिश हो रही है, तो अभी इसके अंदर से जाएंगे और वीडियोग्राफी करूंगा मैं। ये तोड़ा जा रहा है मुझे लग रहा है, ये देखिए चौड़ा किया जा रहा है, और ये कहीं आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म ना कर दे। एक साइड को ये जिमनी जा रही है, दूसरी गाइस अभी हम जो किन्नौर का फेमस क्लिफ हैंगर रास्ता है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और ये एक चट्टान को काट के रास्ता बनाया हुआ है, सिंगल चट्टान को काट के, लेकिन रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। रामपुर के बाद तो बिल्कुल 100% टूटी हुई रोड मिली है हमें, और अभी तक हाँ क्लिफ हैंगर पूरा रोड टूटी हुई है। रामपुर तक तो मस्त रोड है। आगे थोड़ा रास्ता ख़राब है, बंद है आगे रास्ता, तो हमने एक डाइवर्जन लिया है, तो दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं अब, और ये बिल्कुल छोटा रास्ता है, जो मेन रास्ते से जा रहे थे वो बंद है। तो एक जिमनी वाले भाई ने, हिमाचली भाई ने बोला कि भाई आगे रास्ता बंद है, वो आगे जा रही है हमारी जिमनी, वाइट कलर की जिमनी HP 25। तो इन भाइयों ने बोला कि भाई आगे मत जाओ, आगे रास्ता बंद है, हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हम आपको लेके चलेंगे, तो हम उनके पीछे हो लिए। अभी हमने सांगला चितकुल वाले जो ब्रिज था उसको क्रॉस कर लिया है, अगर वो ब्रिज के हम राइट साइड चले जाते हैं तो हम सांगला और चितकुल चले जाते हैं, लेकिन कल्पा के लिए हमने बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा हाईवे है उस भी पे हम हैं अभी, और यहाँ से 27 किलोमीटर है
जो कल्पा जो ब्रिज से, और ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम बता रहा है गूगल भाई, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। जो हमारा हाईवे से है उससे भी 10-12 किलोमीटर अंतर है जो कल्पा, और वहाँ पे होम स्टे वगैरह देखने को रहने को मिल जाते हैं होम स्टेज, और देखने को किलर कैलाश जो पर्वत है उसको वहाँ से दिखाई देता है, और काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट दिखाई देते हैं। तो चलते हैं अब सीधा कल्पा। तो गाइस अभी हम अपना टैंक फुल करा रहे हैं और रीडिंग जो है ऑडोमीटर पे 596.7, और हमने फर्स्ट दराया था आई थिंक 356.5 पे। तो अब कैलकुलेशन करके बताएंगे जो हिल में माउंटेन पे हमारी कितनी जो माइलेज आ रही है जिमनी की, वो मैं कैलकुलेट करके अपना दिखा दूंगा आपको, नीचे आप देख लेना। और अभी देखते हैं कितना पेट्रोल डाला है इसमें, कितना आया है पेट्रोल? पेट्रोल आया है 2170 रुपये का, 21.93, लगभग 22 लीटर तेल आया है 21.93 लीटर्स, और लगभग चली है 250 के करीब। हाँ 250 चल गई है, 250। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा आई एम इन रिकवरी, 22 लीटर में 250 किलोमीटर चली है, तो काफ़ी कम एवरेज हो गई है, लेकिन हिल्स में चली है पूरी टोटल हिल्स में। एक बात और बतानी है, तो यहाँ पे रिकांगपियो में भी नया पेट्रोल पंप बन गया है, तो अब आगे काफ़ी पेट्रोल पंप है काजा तक, तो अब पहले वाली दिक्कत नहीं है। 2019 में आए थे तो पहले सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप होता था और फिर काजा में मिलता था, लेकिन अब काफ़ी पेट्रोल पंप हो गए हैं और पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये हमारी जिमनी खड़ी है, तो अब चलते हैं रिकांगपियो, वहाँ स्टे करेंगे। तो गाइस मौसम बहुत ख़राब हो गया है, देखिए स्नोफॉल चल रही है, और हम रुके हैं रिकांगपियो में। कल्पा तक हम नहीं पहुंच पाए, और वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे भाई ने बोल दिया था कि कल्पा मत जाओ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, रास्ते बिल्कुल स्लिपरी हो गया है, और काफ़ी वहाँ पे स्लिप चढ़ाई है वहाँ पे। तो ये माओ किम होम स्टे है, और यहाँ पे हमने रूम बुक कराया है। मैं इधर आ जाता हूँ, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है बड़ी तगड़े तगड़े, स्लोप के स्लोप पूरे स्लाइड हो रहे हैं। ये हमारी जिमनी खड़ी है सामने, और काफ़ी अच्छा है, लास्ट ईयर ये ओपन हुआ है। ओए और ये आ गए हैं हम, वेरी गुड यार, होम स्टे है ये, तो घर ही है ना? हाँ घर का बना रखा है होम स्टे, वाओ ब्यूटीफुल, किचन भी है। आईडी प्रूफ चाहिए आपको यार? एक का दे दो। ये टॉयलेट कमरे रूम में ले जाओ, सब चीजें हैं। और ये 2 कमरे हैं, एक कमरा ये, एक कमरा ये, डबल बेड लगा हुआ है। तो गाइस अब करते हैं हम रेस्ट, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, मैसेज जरूर करना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी क्वारी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और कल का व्लॉग जरूर देखना, कल हम जाएंगे काजा में, और नाको का व्यू दिखाएंगे और ताबो का व्यू दिखाएंगे, सब कुछ दिखाते जाएंगे आपको, बहुत ही मस्त व्लॉग होने वाला है कल का। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो अंत में दोस्तों राइट हार राइट से बंदे मात्रा में जय हिंद सायोनारा।